हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ कढ़ी और ये बहुत ही मज़े की बनती है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। यहाँ पे मैंने प्याले में ऑलरेडी लिया हुआ है 1 कप बेसन और अब इसमें जाएगी 1.5 कप दही। हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी। और अब मैं इन सबको ब्लेंडर में ब्लेंड कर दूंगी अच्छे से 2 ग्लास पानी डालकर। अगर आप ब्लेंडर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसमें ऐसे ही पानी डालें और इसको अच्छे से बीट करें ताकि इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएँ और वो यूज़ करें। यहाँ पर मैं देखिए मैं डाल रही हूँ 1/4 कप तेल और फ्लेम मैंने इसकी मीडियम रखी हुई है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ज़ीरा। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक ज़ीरे की अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब इसमें डाल देंगे ये बेसन जिसको हमने पानी में ब्लेंड कर दिया था। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। मैंने एक पूरा जग भर के इसमें पानी डाला था। पानी डाल देने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक हस्बे ज़ायका। दो हरी मिर्चें डालेंगे इसमें और अब इसको मिक्स करके वेट करेंगे जब तक के इसमें एक उबाल आ जाए और फ्लेम को आपने फुल कर देना है। इस टाइम यहाँ पे इसमें उबाल आ चुका है तो अब मैं इसकी फ्लेम कर दूँगी मीडियम टू लो और इसको ढक्कन लगा के मैं पकाऊँगी तकरीबन 2 से 3 घंटे तक, जब तक के ये कढ़ी गाढ़ी होना शुरू हो जाए। जब तक कढ़ी बनके तैयार होती है तब तक हम पकोड़े बना लेते हैं। और पकोड़ों के लिए यहाँ पे मैंने 2 से 3 कप लिया हुआ है बेसन और इसमें जाएगा अब 1 मीडियम स्लाइस किया हुआ प्याज। थोड़ा सा इसमें जाएगा हरा धनिया। अगर आपके पास पुदीना अवेलेबल हो तो इस स्टेप पे आप पुदीना भी इसमें डाल सकते हैं। हरी मिर्चें जाएंगी 2 कटी हुई मीडियम साइज़ की। अब 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर। 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे साबुत धनिया। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा ज़ीरा। नमक इसमें डालेंगे हस्बे ज़ायका। और अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को पानी के साथ मिक्स करके एक थिक सा बैटर बना देंगे। बैटर ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। पानी इसमें जितना लगे आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कीजिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी हो गया तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे बैटर बना के मैंने तैयार कर दिया है और आप देख सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और ना ही इतना ज़्यादा पतला है। और अब आखिर में इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा 1/4 चम्मच। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और बेकिंग सोडा आपने फ्राइंग से थोड़ी देर पहले ही डालनी है, पहले आपने इसमें नहीं डाल देनी। और अब यहाँ पे हम पकोड़ों को फ्राई करेंगे और एक एक करके पकोड़ों को इसमें डालेंगे। यहाँ पे आप ऐसे जगह भी बना सकते हैं पकोड़ों के लिए, जैसे मैं यहाँ पे इसमें जगह बना रही हूँ। ऐसे करने से बस थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि कम टाइम में ज़्यादा पकोड़े तल जाते हैं। और अब हम इनको फ्राई करेंगे जब तक कि इन पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। फ्लेम मैंने इसकी मीडियम रखी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पकोड़े बनके तैयार है और इनका कलर भी कितना खूबसूरत आया है। तो अब मैं इनको निकाल के साइड में रख रही हूँ। दो से तीन घंटे बाद यहाँ पे कढ़ी थिक होना शुरू हो गई है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ये पकौड़े जो हमने बना कर रखे हुए थे। पकोड़ों को इसमें डालने के बाद अब हम तड़का रेडी कर लेते हैं। ये मैंने सेम पकोड़ों वाला ऑयल लिया हुआ है, थोड़ा सा बच गया था 1 कप जितना, तो मैं इसी में डाल रही हूँ प्याज। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है और अब हम प्याज को ब्राउन करेंगे जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज गोल्डन ब्राउन होने वाली है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबल स्पून ज़ीरा। ज़ीरे को आपने इस टाइम ही डालना है, अगर आप पहले डाल देंगे तो वो पूरा काला हो जाएगा, जल जाएगा बिल्कुल। और अब ये तड़का बिल्कुल रेडी है और अब हम इसको कढ़ी में डालेंगे।
यहाँ पे मैं ये तड़का कढ़ी में डाल रही हूँ, और डालने के बाद यहाँ पे कढ़ी बनके बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।